सत्संगत जी, बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी, दास विनती कर रहा है मुझसे कोई गलती हो जाए तो आप अपने घर के बालक समझकर क्षमा कीजिएगा सत्संगत जी। रात को झाड़ू नहीं लगाना, पीछे से आवाज मत मारो, बिल्ली रास्ता काट गई, घर से निकलते वक्त छोटी सी चोट लगने से खून निकलने की अपशगुन मानना। मैंने शनि को तेल नहीं चढ़ाया, मंदिर के आगे माथा टेक कर नहीं निकला, मेरे फलानी फलानी मन्नत मांगी थी, अब तक प्रसाद नहीं चढ़ाया तो दुख आ गए। शादी और दुकान का मुहूर्त पंडित से निकलवाना, राशि का नग पहनना, इनमें से कोई एक भी वहम अगर हम अभी भी करते हैं तो माफ़ करना, हमने अब तक सत्संग से कुछ नहीं सीखा है सत्संगत जी। दास आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और मुझे आपका आशीर्वाद मिलेगा सत्संगत जी। चलिए वीडियो की ओर चलते हैं। आंसू पोंछकर मेरे बाबा ने हंसना मुझे सिखाया है, मेरी हर गलती पर भी मुझे सीने से लगाया है, विश्वास क्यों न हो अपने सतगुरु बाबा जी पर, मेरे बाबा ने मुझे हर हाल में जीना सिखाया है, यह सतगुरु का हर दर है, यहाँ मनमानी नहीं होती। ये भी बात पक्की है कि कोई परेशानी नहीं होती, कुछ तो बात है मेरे सतगुरु में, नहीं तो ये दुनिया मिशन निरंकारी मिशन की दीवानी नहीं होती। सत्संगत जी, सत्संगत जी, बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। एक लड़का प्रतिदिन सत्संग में आकर बैठ जाता था। एक दिन महात्मा जी ने उससे पूछा, बेटा ठंड के मौसम में सुबह इतनी जल्दी आ जाते हो, आखिर क्यों? वह लड़का बोला, सत्संगत जी, महाराज क्या पता कल मौत आकर ले जाए। महात्मा जी बोले, इतनी छोटी सी उम्र में लड़का, अभी तुम्हें मौत नहीं, तुम थोड़ी मरोगे, अभी तो आप जवान होगे, बूढ़े होगे, फिर आपकी मौत आएगी। लड़का बोला, महाराज मेरी माँ चूल्हा जला रही थी, बड़ी बड़ी लकड़ियों की आग ने नहीं पकड़ा उन्हें, फिर उन्होंने मुझसे छोटी छोटी लकड़ियाँ मंगवाई, माँ ने छोटी छोटी लकड़ियाँ डाली तो उनमें आग जल्दी से पकड़ लिया। सत्संगत जी, इसी तरह से मुझे भी छोटी सी उम्र में मृत्यु पकड़ ले, इसलिए मैं अभी से सत्संग आ जाता हूँ, जल्दी से परमात्मा का ध्यान करके जीवन सफल बना ले जी। इन सांसों में बड़ा दगाबाज कोई नहीं, बाद में पछताना ना पड़े सत्संग जी। बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। धन से आज तक किसी को खुशी नहीं मिली और न मिलेगी, जितना अधिक धन व्यक्ति के पास होता है वह उससे कहीं ज़्यादा चाहता है। धन संतुष्टि के बदले आतुरता को पैदा करती है, धन से इंसान सुविधा खरीद सकता है सुख नहीं, धन से दरिद्रता दूर कर सकता है दुख नहीं। सत्संगत जी, दुनिया में गुरु सी होली कौन खिलाने वाला है, होली का मतलब क्या है ये कौन बताने वाला है, जो जन होली खेलता करते सतगुरु के संग में, सतगुरु उनको रंग देता है बेरंगों के रंग में, गुरु उपकारी भर भर मारे ज्ञान वाली पिचकारी, आनंद की मस्ती में सारे डूब जाते नर नारी, सतगुरु के पास होता मिलवर्तन गुलाल है, इसे लगाने वाला चलता प्यार वाली चाल है, कहे हरदेव गुरु कृपा से जब मिले परमात्मा, मैं तेरी होली पिया रे, तब कहती ये आत्मा। सत्संगत जी,
कहने का अर्थ है सत्संग जी, गुरु के वचन को केवल कानों से नहीं मन की गहराई से सुनना, एक एक वचन को हृदय में उतारना और उस पर आचरण करना ही गुरु के वचनों का सम्मान है। 5 पहर धंधा किया, 3 पहर सोए, 1 घड़ी ना सत्संग किया तो मुक्ति कहाँ से होए। हे परम पिता परमात्मा, यह जो सृष्टि है इसके कड़कड़ में तेरा वास है और इस सृष्टि में जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ तेरे करने और करवाने वाला तू ही है। जितना भी इस सृष्टि का फैलाव है तू उसमें समाया है और जो कुछ भी इस सृष्टि में है सब कुछ तेरे पास है। मैं तुझे अंग संग देखकर तेरे सामने प्रार्थना करता हूँ सत्संग जी, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण, मैनो बख्श लो सत्संग जी। बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। निरंकारी और अहंकारी में बहुत फर्क होता है, दोनों के कर्म लगभग एक से दिखाई पड़ते हैं, किंतु निरंकारी अंतर गुरु आत्मा में लीन और परमात्मा से जुड़ा रहता है, जबकि संसारी अहम से ही अकड़ा हुआ रहता है। अहंकारी सामने वाला का अपमान, अपेक्षा, निंदा, तिरस्कार का भाव रखता है, जबकि निरंकारी सामने के प्रति प्रेम पूर्वक करुणावान और दयावान होते हैं सत्संगत जी। बख्श लो प्रभु हमें, ये तेरी है सहारा और तेरे सिवाय कोई ठिकाना नहीं, मेरे कर्म तो नहीं कोई ठोर मेहर, तुम्हारी मिले तो दास सदा शरण हो तुम्हारी, रंग लो बसेरे के संग धन निरंकार जी। सत्संग जी प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी, दास विनती कर रहा है मुझसे कोई गलती हो गया हो तो अनजाने में क्षमा कीजिएगा, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा सत्संग जी, और कमेंट में धन निरंकार लिखना ना भूलिएगा सत्संग जी।